हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू ड्रॉ अ स्टील ग्लास। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए यूज़ करने वाला हूं दोस्तों शीट, आज मैं आइवरी शीट, और स्टार्टिंग करेंगे हमेशा की तरह HB पेंसिल के साथ। तो हमेशा जब भी दोस्तों आप किसी भी ड्राइंग को शुरू करने जा रहे हैं तो लाइट हैंड से अपने जो है स्टार्टिंग कीजिए। फोकस कीजिए कि आप जो भी शेप अटैम्प्ट कर रहे हैं उसको बैलेंस करने की कोशिश करें, और लाइटली पेंसिल को पीछे से पकड़ के आप ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से। और ध्यान दोस्तों देखिए, आपको इस बात का रखना है कि अगर आपकी लाइन इंटरसेक्ट हो जाती हैं, एक्स्ट्रा लाइंस बाहर निकल जाती हैं, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं आपका एक आर्टिस्टिक तरीका होता है अपनी बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को अटेम्प्ट करने का। तो आप कभी भी इस बारे में ये ना सोचें कि आप बिल्कुल एक्यूरेट लाइन बनाएंगे तो आपकी ड्राइंग बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही आर्टिस्ट माने जाएंगे। नहीं, जितना ज़्यादा आप अपनी रियल चीज़ को, यानी कि आप फेयर ड्राइंग को करते वक्त भी अपनी आर्टिस्टिक अप्रोच को नहीं भूलते हैं और हमेशा लाइनों को यूज़ करते हुए अपनी चीज़ों को जज करते हैं, तो इसका मतलब है दोस्तों कि आप जो है सही में एक आर्टिस्ट लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप अपनी चीज़ों को गलत करने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं बजाय इसके कि वो एकदम सही बने, क्योंकि दोस्तों देखिए सही बनाने का डर हमेशा आपसे जो है गलतियाँ करवाता है। और जब आपके मन में कोई डर ही नहीं होता है तो आपकी उस समय चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं और ज़्यादा सही बनती हैं। तो 10B पेंसिल को हम यूज़ करने वाले हैं शेप बनने के बाद। जहाँ पर भी हमारी इसमें डार्कनेस होगी, देखिए दोस्तों स्टील का जो ग्लास होता है, तो आप ये चीज़ समझते होंगे कि अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में चीज़ें अटैम्प्ट करनी पड़ रही हैं तो स्टील के ग्लास में दोस्तों डार्कनेस भी बहुत अच्छी होती है, प्लस उसमें वाइट शाइन भी बहुत अच्छी निकलती है। तो हमेशा आप जो है पहले अंदर वाले एरिया को इस तरीके से अटैम्प्ट करें कि जो डार्क वाले एरिया है उसको आप पहले अटैम्प्ट कर लें। डार्क और मीडियम शेड को अटैम्प्ट करें हमेशा पहले। तो अंदर वाले एरिया को दोस्तों हम इसलिए हम पहले अटैम्प्ट कर रहे हैं, और जो मुझे मीडियम एरिया छोड़ना है उसके लिए मैं पहले इस तरीके से डिवीज़न लेता हुआ चल रहा हूँ। तो स्टील का ग्लास बनाने के लिए दोस्तों देखिए, अपने दिमाग में जो आपको कंसेप्ट बना के रखना वो ये बना के रखना कि आप एक तो जब उसके अंदर वाले एरिया में शेड करेंगे, जहाँ भी हम कर रहे हैं वहाँ आपको थोड़ी सी दोस्तों डार्कनेस और मीडियम शेड पर गेम खेलना है, प्लस जब आप उसके ऊपर काम करते हैं, यानी कि जो आपका जो आउटर सरफेस है स्टील का, वहाँ पर आपको कुछ डार्क शेड और मीडियम लाइट शेड का बस ध्यान रखना पड़ता है, प्लस आपकी वाइटनेस सही से छूटती रहे। क्योंकि अगर आप एक कांच का ग्लास बना रहे हैं दोस्तों तो उसमें ये चीज़ कम होती है। अब पेपर स्टम को यूज़ करते हुए हम चीज़ों को यहाँ पर इस तरीके से देखिए ब्लर कर सकते हैं, ये देखिए। तो अब जो हमें अपनी मीडियम शेड चाहिए होगी वो हमें यहाँ मिल जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं डार्क शेड को मर्ज करते हुए हमारा जो अंदर का एरिया है वो भी यहाँ पर बन चुका है। तो उसके साइड में जो मेरे को हल्की लाइट शेड चाहिए होगी वो यूज्ड पेपर स्टम को ही आपको यूज़ करके मिल सकती है, ये देखिए। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको लाइट शेड जो चाहिए वो पेपर स्टम से अच्छी फिनिशिंग के साथ आप पा सकते हैं। और उसके बाद आप ये देखिए जो एक्स्ट्रा लाइन से आप उसको इरेज कर सकते हैं इरेजर से, कुछ इस तरीके से फिनिशिंग दे दीजिए आप, क्योंकि जो एक्स्ट्रा लाइन से देखिए उसकी वजह से आपकी कहीं ना कहीं शेड थोड़ी एक्स्ट्रा हो सकती है या डार्क हो सकती है, या जहाँ हमें शेड नहीं चाहिए होगा वहाँ पर उस शेड के आ जाने की वजह से वो ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है। तो उस तरीके से एक्स्ट्रा लाइन मिटा लेने के बाद अब इसमें कुछ लाइनें आप जो है डार्क डाल दीजिए। जैसे कि मैं आपसे दोस्तों कह रहा था कि स्टील के ग्लास में पतली लाइनें, कुछ हल्की फुल्की माइनर डार्क लाइनें हमेशा ज़रूर जो है विजिबल रहेंगी और रहती भी हैं, और उसके पीछे हमेशा जो है एक लाइट शेड रहती है। जैसे कि हम पहले एक शेड कर चुके थे, अब उसके ऊपर हम यहाँ पर जो है लाइनों से अपने ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं। अब इस तरीके से शेड कर लेने के बाद आप इसको लाइन बनाने के बाद पेपर स्टम से इसको इस तरीके से आप स्मच कर लीजिए दोस्तों, जो भी आपकी शेड है उसको थोड़ा सा ब्लर कर लेंगे, और जो उसमें फिर हमें वाइटनेस निकालनी होगी उसके लिए दोस्तों हम इरेजर का इस्तेमाल करके वो भी निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ये फिनिशिंग कर ली है। और ये करने के बाद अब यहाँ पर पेंसिल इरेजर दोस्तों मैं यूज़ करने वाला हूँ, आप चाहें तो मोनो इरेजर या जो भी इरेजर आपके पास पतली हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अब जो यहाँ पर हमें फिनिशिंग देनी है, कुछ लाइंस दिखानी है पतली, और जो मिनिएचर वर्क है उसको आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो ये चीज़ दोस्तों नॉर्मल इरेजर से करनी ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आजकल दोस्तों देखिए टूल्स इतने ज़्यादा आपके पास अच्छे होंगे तो उससे जो है आप फिनिशिंग काफ़ी हद तक अच्छी निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बिल्कुल एक माइनर पतली सी लाइन छोड़ करके बिल्कुल टच नहीं किया है नीचे वाली शेड को ऊपर वाली शेड के साथ, आप एक देख सकते हैं कि उस लाइन की वजह से थोड़ा सा इसमें जो एक फील है वो आ रहा है कि वो पीछे वाला सरफेस है भी आगे वाला है। और इस तरीके से यहाँ पर भी हमने जो है इसमें शेड दे देंगे डार्क। तो डार्क का तो दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है एक रोल होता है हमारे स्टील के ऑब्जेक्ट में, और प्लस अगर आप कोई आयरन का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसमें भी वही ये चीज़ दोस्तों प्लास्टिक के ऑब्जेक्टों में और कांच के ग्लास में बहुत कम देखने को आपको मिलेगी। कांच में आपको वाइटनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है दोस्तों,
वाइटनेस प्लस आपको एक लाइट शेड की सराउंडिंग हमेशा उसमें एक दिखती रहेगी। अब जिस तरीके से इसमें माइनर पतली लाइनें आप देख सकते हैं स्टील के ऑब्जेक्ट में, वो सारी माइनर पतली डिटेल्स दोस्तों आपको एक कांच के ग्लास में नहीं मिलेगी और उसमें चमक बहुत ज़्यादा आती है। तो ये देखिए, अब इसमें हम जो है इस तरीके से इसको जो है धीरे धीरे चीज़ों को अटैम्प्ट करेंगे। अगर आप दोस्तों देखिए, जो बेसिक कंसेप्ट की स्टडी थी जो मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से आपको बेसिक ऑब्जेक्टों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो कुछ रेफरेंसों की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट बना लेने के बाद इस तरीके से अपने ऑब्जेक्टों में शेड करके उनको एक नया लेवल दे सकते हैं और अपने आप की प्रैक्टिस को एक नई ऊंचाइयों पर, या फिर कह लीजिए कि थोड़ी सी अपने आप की स्किल्स को भी एनहेंस करने का जो तरीका है बेस्ट, वो यही है कि बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग शेपों की आप प्रैक्टिस करें, देन शेप्स की प्रैक्टिस कर लेने के बाद उसमें रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शेड करना शुरू करें। तो ये देखिए, अब जो इसमें बाकी चीज़ें हैं, थोड़ी सॉफ्टनेस के लिए हम जो है ईयरबड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आइवरी शीट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो स्मूथ भी है, तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट आपको पाने के लिए हल्का सा शेड ज़रूर करना पड़ेगा। आप चाहें तो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेफाइट पाउडर, तो यहाँ पर आप शेड कर लीजिए हल्का हल्का नीचे की तरफ। आप देख सकते हैं कि हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का बेस थोड़ा सा मीडियम और डार्क शेड के साथ ही हमें अटैम्प्ट करना पड़ता है ताकि वो फील हो कि वो वहाँ रखा हुआ है। तो इस तरीके से देखिए, लाइनों को हम यहाँ पर डार्क कर देंगे नीचे से, और लाइनें डार्क कर लेने के बाद उसको पेपर स्टम्प्स की हेल्प से हम स्मच करना शुरू कर देंगे, और स्मच कर लेने के बाद जो हमें हल्की फुल्की फिनिशिंग की लाइनें देनी है वो लाइनें इसमें हम दे करके इसको एक नया जो है गेटअप देना शुरू कर देंगे। ये देखिए, क्योंकि दोस्तों फिनिशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके स्टिल लाइफ में, यानी कि आप कोई भी अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और यही फिनिशिंग आपको जो है अपने नए कामों में हेल्प करती है हर चीज़ को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करने में। तो ये देखिए, ईयरबड से हमने इस तरीके से एरिया अटैम्प्ट कर लिया है, और ये एरिया अटैम्प्ट आप इस तरीके से लाइटली पूरे में कर लीजिए, और पूरे में अटैम्प्ट कर लेने के बाद अगर आपको थोड़ी सी इसमें लाइनिंग शो करनी है तो आप शीट को इस तरीके से रोटेट करके पेंसिल को पीछे से पकड़ के आर्क मेथड में इस तरीके से लगा सकते हैं कि पेंसिल को आर्क के तरीके से आप घुमाइए, जो रोटेशन ग्लास की है उस ग्लास की रोटेशन के अकॉर्डिंग इस तरीके से घुमा करके आपको जो है फील मिल जाएगा अपने स्टील के ग्लास का। हल्की फुल्की लाइन्स आप इस तरीके से डाल करके चीज़ों को एनहेंस कर सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये लगभग एक पूरा जो गेटअप है वो रेडी हो चुका है। थोड़ी सी हल्की सी अगर हमें शेडो चाहिए तो उसके लिए हम नीचे की तरफ इस तरीके से दोस्तों शेड करके उसको ब्लर कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर हमारा एक स्टील का ग्लास कंप्लीट हो चुका है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।